मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बस असफलता या सफलता है, ऐसे विचार हम सबको आते रहते हैं। हमारा दिमाग कहानियां बनाने में उस्ताद है और हम अच्छी नकारात्मक असफल चीज़ों की फहरिस्त बनाते रहते हैं और इस तरह हमारे भले के लिए कुछ हुई चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भूल जाते हैं। चलिए इसे उदाहरण समझते हैं। कहा जाता है कि अच्छा जूता पहनने पर पता नहीं चलता, लेकिन एक जरा सा कंकड़ चुभने पर चुभन का एहसास हमें करा देता है। ठीक उसी तरह से जिंदगी की अच्छाइयों नेमतों से आपको हम सभी को जो मिलता है उस ओर ध्यान नहीं जाता, अगर हम स्वीकार कर ले कि दरअसल यह हमारी सोच और नज़रिए की बात है तो हम लोग अच्छाइयाँ ढूंढना शुरू कर देंगे। हमारा शरीर अपना काम कर रहा है, लेकिन जब किसी हिस्से में तकलीफ शुरू होती है तब उस हिस्से की महत्ता का एहसास होता है। मतलब जब तक सब कुछ ठीक ठाक रहे हमारे नज़रिए उस पर पड़ते ही नहीं। ठीक उसी तरीके से ज़िंदगी में भी जो कुछ अच्छी है अमूमन हम उस पर ध्यान नहीं देते। मैं इसे कहता हूँ हंटिंग फॉर ग्रेटनेस, यानी जिंदगी में रोजाना घटने वाली अच्छाइयों बेहतरीन पलों की खोज। मैं सुबह अच्छाइयों के बारे में सोचता हूँ, जिंदगी में जो अच्छा हो सकता है, जिंदगी में जो अच्छा बीता, क्योंकि अगर मैं ना सोचूं तो अच्छाइयाँ खामोशी से निकल जाएंगी। मैंने पाया कि जब जब मैंने योजनाबद्ध तरीके से अच्छाइयों को ढूंढा तब वो चीज़ें मुझे मिली। कई बार आपने देखा होगा कि अगर उस वक्त कोई चीज़ याद नहीं की तो बाद में भूल जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ज़िंदगी जीने में भी होता है, ज़िंदगी में भी यही रूल फॉलो होती है। इसलिए हमें हर रोज़ नियमित तौर पर सोते जागते ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। ज़िंदगी में आप ढूंढ ढूंढ कर उसी वक्त को ध्यान करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इतनी बेहतर गुजरी हैं, जिनका कृतज्ञता, जिनके लिए ईश्वर को धन्यवाद आपको बार बार करना कम ही लगेगा। लेकिन आपने अब तक कहा नहीं है और अब आपके दिमाग में ही धन्यवाद करने के कारण आने लगेंगे। जब ये ख्याल मन से निकल जाएगा कि फला काम तो उनकी ड्यूटी थी और घर में भी धन्यवाद कृतज्ञता वाला भाव दिखाएंगे तो देखिए कि सकारात्मक मौके ज़्यादा मिलने लगेंगे। अर्जने किसकी ज़िंदगी में नहीं आती, मेरी ज़िंदगी में भी थी, मेरी ज़िंदगी में भी आई, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ज़िंदगी ऐसी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी धन्यवाद से भर रखी है। सकारात्मक ज़िंदगी में मेरे सामने मेरा लक्ष्य साफ रहता है, अब मेरा काम सिर्फ उसे हासिल करना होता है। बहुत ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी पर ऐसे आरोप ना लगाएं कि ज़िंदगी बहुत बुरी है। बात यह है कि ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, बस हमें जीना नहीं आता। हम ज़िंदगी को इस तरह देखें कि ज़िंदगी तो टेढ़ी मेढ़ी है, कुछ झटकों को बस पार करना है। सोचे कि ज़िंदगी तू मेरे लिए कितनी अच्छी है और मैं लगा हूँ कुछ और चीज़ों को और भी अच्छा बनाने में। आप अपने निजी संबंधों में भी देखें, अगर आप सिर्फ गलतियाँ निकालेंगे तो वह शख्स खुद को हताश महसूस करेगा, लेकिन जब उनकी भलाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके अंदर भलाई दिखेगी। धीरे धीरे जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आप पाएंगे कि भलाई बहुत अच्छी है और जो अच्छा नहीं है उसे हम भला बना देंगे। दुनिया और ज़िंदगी साथ हमें समझदारी में आगे बढ़ना है, दुनिया और ज़िंदगी को बुरा करके नहीं, ज़िंदगी को कहे कि लव यू ज़िंदगी, लव यू दुनिया। याद रखे कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ज़िंदगी बुरी नहीं, भली है और उस भली ज़िंदगी में आप एक अच्छे इंसान हैं। एक बार फिर कहना चाहूँगा, ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, बस हमें जीना नहीं आता। ज़िंदगी के रंग बहुत हैं, बस हमें देखना नहीं आता। हमने तो सिर्फ एक ही रंग देखे हैं, ब्लैक एंड वाइट। अरे भूल जाओ यार, आगे बढ़ो और देखो कि दुनिया कितनी अच्छी है। अपने निजी संबंधों में ये सुधार लाओ, अपने पार्टनर्स को उसकी तारीफें करो, क्योंकि एक छोटी सी तारीफ इंसान को बहुत अच्छा काम और भी बेहतर काम करने की तबलीग देता है। इसलिए अपने पार्टनर्स की अच्छाइयों को सराहें, उनकी तारीफें करें, इनसे आपके संबंध और भी बेहतर हो जाएंगे। तो इसी साथ मैं कहूँगा आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और इस तरह की वीडियो से बने रहने के लिए
हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते आदाब।